नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। यह है HDFC बैंक का चार्ट। किसी ने मुझे अभी पूछा है कि जीटी भाई, HDFC बैंक तो एक दिन में 6-7% तेज था, ठीक है, क्या ये मूव पकड़े जा सकते, मतलब कुछ तरी, भैया चार्ट पे अगर आप टाइम बताते हो आप बहुत अच्छे से मूव पकड़ सकते, ठीक है, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक दिन में आ गया तो 2 से 3 दिन भी ले सकता है, पर ये मूव आएगा। मैं आपको दिखाता हूं, आप मेरे चैनल पे जाइए, ठीक है, ये मेरा चैनल है। ये 5 दिन पहले, 5 डेज हो गए, SBI और HDFC बैंक को मैंने एनालाइज किया था, वीडियो बनाई थी, ठीक है। ये रहा HDFC बैंक, यहाँ पे देखिए एक बार मैंने क्या बोला है। पैटर्न तो उसमें भी यही फॉलो कर रहा है, बट किसी किसी दिन ऊपर जाके क्लोज दे रहा है, क्योंकि वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये दिन आते हैं तो ऊपर जाता है। तो ये जो लेवल जो मैं अब आपको बताने 1520, ठीक है, 1520 के ऊपर जब क्लोज करना चालू कर देगा तो वहां से जो इसमें तेजी बनेगी वो भैया फिर इसको कम से कम पहला टारगेट जो इसका निकल के आ रहा है 1570 और दूसरा 1570 पहला और दूसरा 1630। ये पोजिशनल बेसिस आप इसको, ठीक है, ये जस्ट 5 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है और आप HDFC बैंक को 1520 के ऊपर निकलने के बाद इसने देखिए क्या किया, ठीक है। ये वाली क्लोजिंग अगर आप देखेंगे, जो ये वाली क्लोजिंग है इसकी, यहां पे लिखी आएगी, देखिए जरा 1524 दिख रहा होगा आपको, यहां पे 1524 टारगेट डॉट 1635, ठीक है। हाँ, ये है कि ये मूव आप, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में हो जाए, ये बहुत अच्छी बड़ी बात है कि एक दिन में आ गए, 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, बट ये मूव आप कैप्चर कर सकते हैं अगर आप चार्ट पे टाइम बिताएं, चार्ट को स्टडी करें। ये वीडियो जाके देखिए, इसमें प्रॉपर मैंने एक एक तरीके से अच्छे से समझाया कि क्यों ये तेजी का घोड़ा है। HDFC बैंक, SBI बैंक दोनों का एनालिसिस किया था ये, और यही पैटर्न अगर आपको कहीं और भी दिखते हैं तो आप भैया ट्रेड ले सकते हैं। ये इसे शायद डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, हाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल ही कहते हैं शायद इसको, या असेंडिंग, जो भी कहते हैं, पर ये पैटर्न तेजी का है जिसमें सपोर्ट ऊपर की तरफ खिसकता जा रहा है, रेजिस्टेंस शेप बना, जैसे ही तोड़ा लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया, आगे एक दिन में ही टारगेट आ गया, ठीक है। तो स्पेंड योर टाइम ऑन चार्ट्स, पैटर्न को एनालाइज कीजिए, चार्ट को एनालाइज कीजिए, पकड़िए उनको पीछे के चार्ट। मैं 2-2, 3-3 घंटे चार्ट देखता रहता हूँ, हाल तो फिलहाल मैंने बहुत कम कर दिया है, जब मेरा लर्निंग पीरियड बहुत, देखिए लर्न तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, वो टाइम लगता है जिस दिन, जैसे मुझे स्टडी मेरी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती है तब तो मैं 2-2, 3-3 घंटे चार्ट पे बिताता हूँ, देखता हूँ चीज़ों को, और साइकोलॉजी थोड़ी मिलाता हूँ, एक्सपीरियंस थोड़ा भी मैटर करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, बट एक्सपीरियंस भी आपका तभी बिल्टअप होगा ना जब आप डेली चार्ट ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो स्पेंड टाइम बिताइए चार्ट पे, इधर उधर देखा है मैंने कितने लोग टेलीग्राम पे चटियाते ही रहते हैं, ये लगता है वो लगता है, टेलीग्राम पे चैट करने से कुछ नहीं होगा, चार्ट पे, चार्ट से बातें करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट आई एम मोटिवेटिंग यू गाइज कि चीजें पकड़ में इतने बड़े बड़े मूव भी आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।